अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। और आज हमारे साथ डॉक्टर SM आफाक मौजूद है, उनको मैं वेलकम कर रही हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा हाई ब्लड प्रेशर क्या है और इसके हकायक क्या हैं? हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने जो दिल को रखा वो एक पंप है। अच्छा। उसका काम ये है कि खून जमा करता है और पंप करता है। जो खून जमा करते हैं साथ दिल के राइट साइड पे आता है, यहाँ से लंग फेफड़ों को जाता है, फिर फेफड़ों से लेफ्ट साइड पे आके पूरी बॉडी में पंप होता है। नीचे तक पहुँचाने के लिए यानी आपकी जो बिग टो है वहाँ तक जाने के लिए, सर के बालों तक जाने के लिए एक खास प्रेशर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। उस प्रेशर को मेंटेन करके जो उमन 120-80 तक होता है तो दिल के हर आज़ा को ब्लड प्रेशर पहुँचता है, जिसमें गजाइत भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। कुछ हालात में ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है तो दिल की दीवारों में डैमेजेज आना शुरू होती हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन से तब्दीलियाँ आती हैं, इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसकी कट लाइन है कि उमन कहते हैं कि जी 120-80 नॉर्मल है और 140-90 से ऊपर जो होते हैं उसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। डिफरेंट गाइडलाइंस ने, डिफरेंट बॉडीज़ ने इसके डिफरेंट फिगर्स दी हैं, लेकिन बाई अल्लाह हम 140-90 से ऊपर ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा हाई ब्लड प्रेशर की बुनियादी इकसाम क्या है? इससे पहले मैं ये बता दूं कि हाई ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर कहते हैं, खामोश कातिल। इसकी वजह ये है कि ये बहुत कॉमन मर्ज है, हर दूसरे तीसरे आदमी के घर में होता है, लेकिन इसकी कोई ख़ास अलामत नहीं होती। पेशेंट को किसी को सर में दर्द होता है, किसी को चक्कर आ रहे होते हैं, किसी को घबराहट, किसी को बेचैनी, किसी को सांस फूलती है। इसको पर हम दूसरी चीज़ों से रिलेट कर देते हैं। कभी ये सोचते हैं नींद पूरी नहीं हुई, कभी सोचते हैं जो गुस्सा कर लिया या खाना ज़्यादा खा लिया, और हम ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराते। और पता उसका उस वक्त चलता है जब जो कुछ टारगेट ऑर्गन्स हमारे हैं जिसमें दिल, गुर्दे, दिमाग और आँखें शामिल हैं, इनमें डैमेजेज आती हैं, तो इसके साथ साथ फिर पता चलता है कि जी हमें ब्लड प्रेशर था। इसलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। इसमें पता उसको चलता है कि जब कोई आज़ा हमारा डैमेज हो जाता है। ब्लड प्रेशर की दो अकसाम होती हैं। तकरीबन 80-90% लोगों को ब्लड प्रेशर की कोई वजह सामने नहीं आती है, ये ज़्यादातर ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है। इसको हम एसेंशियल या प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं। दूसरा ब्लड प्रेशर की किस्म है जिसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। इसकी वजूहत होती हैं, ज़्यादातर ये यंग लोगों में होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा गुर्दे के मसाइल होते हैं, गुर्दे की रगों का सिकुड़ जाना, जो ब्लड लेके जा रही है इसको रीनल एटिस्टेनोसिस कहते हैं। गुर्दे के पैरेन्काइमा में पस पड़ना, पत्थर आ जाना और दो चार चीज़ें होती हैं इसकी वजह से होता है। फिर गुर्दे के ऊपर एक और ग्लैंड हैगा, उसकी दो तीन बीमारियां होती हैं जिसको हम हाइपर पैराथायरायडिज्म कहते हैं, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म कहते हैं, ये हो जाता है, फियोक्रोमोसाइटोमा, ये वजूहत हैं जिससे ब्लड प्रेशर की जंग लोगों में होता है और ये कंट्रोल भी नहीं होता है। इसको फिर हम ट्रीट करते हैं, इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हाई ब्लड प्रेशर क्या हमारी कोई डाइट हम इस तरह की लेते हैं जिसकी वजह से हम हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं, या हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा होता है, या हाई ब्लड प्रेशर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, क्या वजूहत? क्योंकि अमूमन मैंने देखा है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। देखिए मतलब ये जो डायबिटीज़ हो गया है और ये ब्लड प्रेशर, इन दोनों के जिन ऑर्गन्स को ये डैमेज करते हैं उसमें किडनीज भी शामिल हैं, और किडनी ब्लड प्रेशर से डैमेज भी होती है, और किडनी किसी भी वजह से डैमेज चाहे जैसे ब्लड शुगर की वजह से, तो उससे ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। इसीलिए जब ब्लड प्रेशर किसी को होता है तो उसके लिए जो ब्लड प्रेशर की कट लाइन है वो नीचे कर दी गई है। 130-85 से ऊपर अगर पेशेंट को है और उसको या तो शुगर की बीमारी है या उसको गुर्दों की बीमारी है या उसको कभी हार्ट प्रॉब्लम हो गई है, तो इनके लिए ब्लड प्रेशर की जो कट लाइन है वो नीचे है, डिफाइन दी गई है। और बहुत गहरा ताल्लुक उसका होता है शुगर का ब्लड प्रेशर से और हार्ट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के साथ। अच्छा तो डॉक्टर साहब, अगर किसी को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, जिस तरह हम मैं इसलिए डायबिटीज की बार बार बात कर रही हूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो, तो हमने ये सुना है कि जब तक जिंदगी आपने मेडिसिन लेनी है, ये हमने सुना है। अब इसी तरह क्या हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं या वो अपनी डाइट से अपने आप को बेहतर रख सकते हैं, या उनको भी हमेशा रोज एक अपनी मेडिसिन जो है वो लेनी है, ये थोड़ा सा ये जरूर बताइएगा, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर का हर दूसरा इंसान जो है वो हाई ब्लड प्रेशर उसको है। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर है ये जब हम डायग्नोज करते हैं तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। 120-80 पे हम इसको कहते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, और ऊपर का ब्लड प्रेशर अगर 120 से 130 देगा और नीचे का 80 पे ही रहता है इसको हम एलिवेटेड कहते हैं। और यही वो जिसको हम पहले प्री हाइपरटेंशन कहते थे, यानी इन लोगों को ब्लड प्रेशर का इस्तेमाल है। इसके बाद फिर अगर 130 से 90 और
नीचे का 80-90 स्टेज वन, फिर स्टेज टू 140-90 एंड अबव होते हैं। ब्लड प्रेशर की किस स्टेज पे आप मरीज को ट्रीट कर रहे हैं, अगर किसी को हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर है तो हम उसके वजूहात को देखते हैं। आजकल जो नमक का ज़्यादा खाना, ओबेसिटी, कम चलना फिरना, एक्सरसाइज का ना करना, अगर इन चीज़ों के कंट्रोल करने से बीपी कंट्रोल हो जाता है तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं होता, मैं दोबारा से वहाँ पे आता हूँ जब 120-80 मैंने बताया आपको ब्लड प्रेशर किसी का, तो ये उसको ऑप्टिमल कहते हैं। इस पेशेंट को हम साल में एक दफ़ा फॉलो करते हैं। जिस पेशेंट का 130 से लेके 120 से 130 तक है, नीचे का 80 है, जिसको पहले प्री हाइपरटेंशन कहते थे अब उसको हम एलिवेटेड कहते हैं, इन लोगों को हम 6 महीने पर फॉलोअप करते हैं, देखते हैं कि बीपी बढ़ के उस रेंज में तो नहीं आ गया जहाँ हम ट्रीटमेंट दें। और स्टेज वन जो 130 से लेके 90 तक वाले होते हैं, इनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इन लोगों को हम 10 साल का रिस्क निकालते हैं, जिसको ASCVD कहते हैं, एथरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर रिस्क, कि इसको 10 साल में हार्ट अटैक का और फालिज का कितना खतरा है। अगर ये खतरा 10% से ज़्यादा होता है 10 ईयर्स में, या साथ में पेशेंट को ब्लड हार्ट प्रॉब्लम है या गुर्दे की प्रॉब्लम है या शुगर है, तो इन पेशेंट को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ एक दवा भी शुरू कर देते हैं। वो लोग जिनका 10% से कम रिस्क होता है, उनको हम 6 महीने पे फॉलो करते हैं कि पेशेंट को 6 महीने पे देखा जाता है कि जी अब डेवलप तो नहीं कर लिया। दवाएं जब दी जाती हैं, जब हमने दवा किसी को दे दी है, उसको हम 1 महीने के बाद फॉलोअप पे बुलाते हैं। अगर फॉलोअप में उसको बीपी कंट्रोल से हमारा दे के 130 और 80 से नीचे आ जाए, अगर कंट्रोल हो गया उसकी लाइफस्टाइल से, जिसको हम बाद में बात करेंगे, और प्लस ड्रग्स है, तो 6 महीने पे फॉलो करते हैं। लेकिन अगर किसी का कंट्रोल नहीं हुआ तो उसको ऐड ऑन करते हैं, या तो उसी दवा की अपर लेवल पे चले जाते हैं या एक दूसरी दवा ऐड करते हैं, और फिर उसको हर महीने बुलाते हैं उस वक्त जब तक कि कंट्रोल में ना जाए। जब कंट्रोल आ जाता है तो फिर हम 3-6 मंथ्स उसको फॉलो करते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर जो 180-120 वाले होते हैं, उनको हम अर्जेंसी या इमरजेंसी कहते हैं। अर्जेंसी उस वक्त कहते हैं जब किसी को 180-120 या सुपर ब्लड प्रेशर हो, लेकिन उसको टारगेट ऑर्गन जो मैंने जिक्र किया आपसे, आँखें, गुर्दे, दिल, इसकी कोई डैमेजेज जो पहले वाली थी या तो वही है या तो बिल्कुल नहीं है, या पहले वाली तो उसमें चेंज नहीं आई है, तो ऐसे लोगों को भी हम एडमिट करके ट्रीट करते हैं। दूसरा हाइपरटेंसिव इमरजेंसी कहलाती है। ये वो लोग होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर के साथ साथ टारगेट ऑर्गन्स डैमेज, यानी आँखों में हमें लग रहा है खतरा हो गया, हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट फेलियर में चला गया है, गुर्दे काम करना छोड़ रहे, तो दे नीड्स इमीडिएट एडमिशन इन ICU केयर। इनकी मॉनिटरिंग होती है और इनको फिर हम नसों के जरिए सर्टेन दवाएँ वो देते हैं हम इनको। जो स्टेज टू हाइपरटेंशन वाले बीच में रह गए, स्टेज टू वाले जो 140-90 एंड अबव होते हैं, इनमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ हम स्टार्ट में ही उसको 2 दवाओं पर शुरू करते हैं, और उसको फिर 1 महीने बाद देखते हैं। अगर उसको बीपी कंट्रोल होता है, 6 मंथ पे लेके जाते हैं। जहाँ तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात है, इसमें हम कोशिश करते हैं पेशेंट को कि जी सबसे पहले अपना रेगुलर एक्सरसाइज करें, चलना फिरना, जो सेडेंटरी लाइफ है घर बैठे रहते हैं, डेली वॉक करें। वॉक का ये है कि आप कम से कम 150 मिनट फी हफ्ता या आम वॉक करना, या फिर विग्रेस कर रहे हैं आप तो फिर आप 90 मिनट्स अ वीक कर सकते हैं, और अब 5 दिन भी कर लें हफ्ते में तो काफ़ी है। दूसरी चीज़ ये, अपना वज़न आइडियल रखें, इसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं, उसको फॉलो करें। आप अपना स्ट्रेस फ्री लाइफ, नींद पूरी लें, पानी अच्छा लें, डाइट के अंदर आपने जो वो गज़ाएँ हैं जो फाइबर डाइट्स कहलाती हैं, सब्ज़ियाँ हैं, दालें हैं, इनका इस्तेमाल करें। लो सॉल्ट डाइट लें, पोटेशियम रिच लें, लेकिन पोटेशियम जो हार्ट पेशेंट है उनको अवॉइड करना चाहिए, इनसे बेहतरी आती है और बीपी कंट्रोल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने जिस तरह से देखा है अपने आसपास के, अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है और जो मेडिसिन आपको दी गई है और वो आप पे काम कर रही है, पर कुछ ही टाइम के बाद वो मेडिसिन चेंज कर दी जाती है क्योंकि फिर वो आप पे काम नहीं कर रही होती, ये क्या वजूहत होती है? देखिए, उसको एक हम टैकीफिलैक्सिस कहते हैं। कुछ दवाओं में ऐसा होता है कि उसका डोज उसी मकदार को, उसी बीपी को मेंटेन करने के लिए बढ़ाना पड़ता है। अच्छा। लेकिन मेजॉरिटी मैं समझता हूँ इसमें नॉन कम्प्लाइंट ऑफ द पेशेंट होती है कि मरीज़ दवाओं को या तो उस तरह नहीं लेते जिस तरह हम बताते हैं, या उन औकात में नहीं लेते। दवाओं को लेना, रेगुलर लेना ज़रूरी होता है। कभी कभी होता है कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट शुरू आना शुरू हो जाते हैं, कुछ दवाएँ जिनके साथ खुश खांसी हो जाती है, कुछ दवाएँ जिनकी वजह से हमारे टखनों पर वर्म आ जाता है, कुछ दवाओं की वजह से हेडेक शुरू हो जाता है। तो बाद वक्त डॉक्टर आपको मॉलिज देखता है कि जी इसको कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही है तो वो दवा को चेंज करता है, या आपको वो टारगेट्स नहीं अचीव हो पाते हैं तो हम एड ऑन करके उसमें एक और दवा भी शामिल कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ हम ये कह रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जो है आपकी आँखों को, आपके दिल को, आपके गुर्दों को डैमेज कर सकता है या टारगेट कर सकता है, जी तो क्या हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इतना लॉन्ग टाइम हम लेते हैं क्या वो किडनी को इफेक्ट नहीं करेगी? जरूर करती है, इसीलिए इसको जब हम किसी मेडिसिन अगर आप जितनी भी दवाएं होती हैं या तो वो गुर्दे के रास्ते निकलती हैं, जिगर के रास्ते निकलती हैं, क्लियरेंस है तो हेपेटिक होती है, रीनल होती है,
उसको फिर हम देखते रहते हैं कुछ दवाओं के साथ, जब हमें लगता है कि जी किडनी को डैमेज करेंगे तो किडनी के कुछ टेस्ट होते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन है, प्रोटीन यूरिया, इसको हम असेस करते हैं। जब लगता है कि जी वो कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाने वाला, तो उस दवा को हम चेंज करके अल्टरनेट मेडिसिन पर आ जाते हैं। दवाओं के डेफिनेटली साइड इफेक्ट्स, जहाँ इफेक्ट्स होते हैं तो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अगर दवा इफेक्ट्स रखेगी तो साइड इफेक्ट भी जरूर रखेगी, और अगर इफेक्ट्स नहीं है तो साइड इफेक्ट डेफिनेटली नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले अगर मतलब मैं छोटी थी तब का अगर देखूँ तो मेरी अम्मी को हाई ब्लड प्रेशर होता था, मेरी नानी को हाई ब्लड प्रेशर था, मैंने कभी अपने किसी कज़न जो एक यंग एज का है उसके मुँह से नहीं सुना था कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर है। पर आप अभी देखें कि यंग जो है जनरेशन है उनको अगर आप देखें तो हाई ब्लड प्रेशर, इसका क्या रीज़न हो सकता है? हमारा लाइफ स्टाइल, आजकल का दौर बिल्कुल डिफरेंट हो गया। पहले के बच्चे खेलते थे ग्राउंड्स में, अब तो ग्राउंड को तो वजूद ही खत्म हो गया है। बच्चों के पास ये मौजूद है, बस यही उनका प्ले ग्राउंड है, यही सब कुछ उनका। पहले के बच्चे अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, अपनी कैलोरीज को बर्न करते थे, ग्राउंड में खेलना, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और चीज़ों को खेलना, रात में खेलना। अब ये सेडेंटरी होकर रहेंगे, अपने बिस्तरों पर बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, चैटिंग करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड व्हाट नॉट एंड व्हाट नॉट। फिर उसके बाद पहले होता था कि हमें खाने पीने की चीज़ें होती थी, तो अभी एक तो पहले के दौर में जाहिर है डेफिनेटली उतनी ज़्यादा खुशहाली नहीं थी जो अब आ गई है। अब्बा अम्मा से पैसे भी नहीं मिलते थे, मिलते तो भाग के दुकानों पर जाके चीज़ें लेके आए करते थे। अब तो उस बच्चे के पास पैसे भी आएंगे, उसका अपना अकाउंट भी, उसने सिर्फ ऑर्डर करना है। हाँ। वो इतना भी नहीं हिलेगा कि जाके दुकान पर चला जाए, वहाँ से लेके आए। वो सिर्फ ये होगा कि जी ऑर्डर करेगा, कुछ देर बाद फूड पैंडा वाला खड़ा होगा, चीज़ें लेके वो लेट के खाएंगे, फिर मोबाइल देखेंगे, कोई फिल्म देखेंगे और सो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी वजह है जिसको हम समझ, और ओबेसिटी इसलिए हमारे माशरे में बच्चों में मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। खाने की हैबिट्स उनकी, जितने ये जंक फूड्स वगैरह खाते हैं, ये सारे अनहेल्दी होते हैं। बिल्कुल। और हमें और सॉरी एक और बात, के बच्चों में आजकल स्ट्रेस बहुत आ गया है, पहले के बच्चों में इतना स्ट्रेस नहीं था। बिल्कुल। इवन अब जो छोटे बच्चे KG 1 KG 2 में पढ़ रहे हैं, सुबह 5:30 बजे अम्माएं उनको लेकर रोड पर खड़ी हो जाती हैं, वैन आएगी नहीं आएगी, आ गई तो फिर पहुंचना है, वहां पहुंचेगा बच्चे के पास, उसकी वजह से टिकने साइज का बैग लगा हुआ है, फिर उसको मिले होते हैं डेली के जी ये असाइनमेंट्स आपको करके आने, तो स्ट्रेस बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर जो ये टीवी पे ड्रामे ये सब चीज़ें देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, उनकी ब्रेन हर वक्त एक्टिवेटेड रहता है, तो ये सब चीज़ें भी उसका बाइस बन जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, कौन सा हार्मोन है जो बीपी को कंट्रोल करता है? देखिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के दो सिस्टम, एक हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जिसमें वो दिल जो नसें निकल रही हैं इसको सुकड़ना और फैलाना शामिल होता है, इसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, सिंपैथेटिक। इसमें दो हार्मोन्स होते हैं, एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, ये कैटेकोलामिन्स भी कहलाते हैं। इनका इखराज, इनका कम ज़्यादा होना, वो डिफरेंट हमारी कैफियत के साथ डिफरेंट होता है। दूसरा एक हार्मोन जो किडनी से रिलेटेड है, उसको हम रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। ये जब भी दिल में ब्लड प्रेशर की कमी जाती होती है तो गुर्दे को खून कम पहुंचता है, ये सिस्टम एक्टिवेट होता है और फिर इसके साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है हमारा। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर की पेचीदगियाँ क्या हैं? हाई ब्लड प्रेशर की मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ जहाँ बारीक नसों का जाल मौजूद है, वहाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा जाने से उनमें सख्ती और नसों के अंदर, अल्लाह ताला ने नसों के अंदर डिफ्यूजन रखी कि नस में से चीज़ें निकल के कारामा चीज़ें बॉडी की सेल में जाती हैं, सेल से जो खराब चीज़ें वापस नस के अंदर आती हैं, तो मेम्ब्रेन्स जो हमारी होती हैं फैसल्स की परमीएबल होती हैं। जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ये ग्लासी हो जाती हैं, इम्परमीएबल, तो ये डिफ्यूजन नहीं होती है। इनकी वजह से जहाँ जहाँ ये बारीक नसों का जाल है, जिसमें हमारी आँखें शामिल हैं, गुर्दे शामिल हैं, दिल शामिल है और आपका ब्रेन शामिल है, इसमें डैमेजेस आती हैं। अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो सबसे पहले हार्ट के अंदर पट्ठों में सख्ती आ जाती है, इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इस सख्ती के साथ साथ अब जब डिमांड बढ़ती है ऑक्सीजन की, तो मरीज़ को एंजाइना हो जाता है, आगे जाके उसको हार्ट अटैक का खतरा पड़ जाता है, और एक स्टेज आती है जो दिल बढ़ जाता है, फिर पेशेंट को हार्ट फेलियर की अलामतें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, दूसरी अगर आप गुर्दे की बात करें, तो गुर्दे में स्टार्ट में पेशेंट को प्रोटीन्स आने शुरू होते हैं इसके यूरिन्स के अंदर, इसको एल्बमिनूरिया कहते हैं, कभी कभी ब्लड आ जाता है, पेशाब का आना कम हो जाता है, कभी बंद हो जाता है, तो ऐसे स्टेज में कभी वो भी मरहला आता है, इसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज कहते हैं। ऐसे मरीजों को हम या तो डायलिसिस पे लेके जाते हैं या उनके हार्ट ट्रांसप्लांट पे लेके जाते हैं। अच्छा। आँखों की बात करें तो आँखों को जो पीछे वाला पर्दा है जिसको रेटिना कहते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशन आती हैं और उसकी फिर मरीज को देखने का प्रॉब्लम आता है, विजन डिम हो जाती है, डबल नज़र आ रहा होता है, उसको रेटिनोपैथीज कहते हैं, उसको भी प्रॉपरली फंडोस्कोपी करके उसको देखा जाता है। ब्रेन की हम बात करते हैं तो ब्रेन में दो तरह की कॉम्प्लिकेशन आती हैं, एक तो ब्रेन की जो नसें हैं उसके अंदर अगर खून का लोथड़ा जम जाए, जो कि ब्लड प्रेशर बड़ा कॉमन होता है, तो इसको स्ट्रोक होता है। इस स्ट्रोक को हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। इसमें अगर मरीज 4 घंटे के अंदर किसी ऐसे सेटअप में चला जाता है, 4 से 6 घंटे में, कि जहाँ इंटरवेंशन होती है, तो इस खून के लोथड़े को हम इंटरवेंशन करके, जैसे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करते हैं, ब्रेन में से निकाल लेते हैं इसको। दूसरा ये होता है कि जब दिमाग की कोई शरियान फट गई है,
उसके साथ इंट्राक्रैनियल हेमरेज, इसको कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक, ये दो तरह के स्ट्रोक। हाई ब्लड प्रेशर वाले को फालिज का भी खतरा, बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है उनको, दोनों तरह के फालिज का, इस्कीमिक स्ट्रोक का भी और हेमरेजिक स्ट्रोक का भी, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तीसरा ये होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होने से मरीज का बहकी बहकी बातें करना, शाउट करना, इसको अब हाइपरटेंसिव इनकेफेलोपैथीज कहते हैं, इसको भी फिर सबको आई सी यू में एडमिट करके केयर करना पड़ता है। दूसरा, जिनको हम 6 घंटे में ले गए और उनको इस्कीमिक स्ट्रोक है, और अगर उस सेंटर पे उसको लोथड़े को निकालने की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, तो कुछ इंजेक्शन आते हैं खून को फाड़ने वाले, अच्छा, टिप्लेस कहलाते हैं, तो वो देने से भी फालिज का खतरा कम हो जाए। लेकिन सब चीज़ें स्पेशलाइज्ड इंजेक्शन की ज़्यादा डोज बढ़ाने से ब्लड पे कुछ और असर नहीं होता, क्योंकि ऐसा भी सुना है कि उसकी अगर डोज बढ़ जाए तो ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड पतला हो जाता है। डेफिनेटली जब हम खून पतला कर देंगे, हम देते हैं दवाएं स्ट्रेप्टोकाइनेज रेटिप्लेस कहते हैं, उसमें उस चीज़ का थोड़ा सा खतरा मौजूद रहता है। लेकिन हम हर चीज़ को देखते हैं, जिसको देने का फ़ायदा कितना है और ना देने का फायदा कितना है, देने का फायदा नुकसान को कंपेयर करते हैं ना देने से। कभी तो दे के नुकसान भी होता है, होता है डेफिनेटली। मैंने कहा ना कि हर चीज़ का जो फायदा रखती है वो नुकसान भी रखती है। हाँ। तो हम फिर कंपेयर करते हैं, देखा जाता है चीज़ों को, असेस करते हैं पूरे उसके डिफरेंट, हमारे पास वो होते हैं कि जी किस तरह टूल में किसको किस तरफ लेके जाना है। बहुत से लोगों को मेडिकल फॉलोअप रखते हैं, कुछ को हम स्ट्रेप्टोकाइनेज या रेटिप्लेस देते हैं जिसको TPA कहते हैं, और कुछ लोगों को रिट्राइव करते हैं जो हम कैथेटर डाल के और उसको क्लॉट को देखें। लेकिन ये सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर करना पड़ता है, वो निकल जाए तो फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है कि जी विद द पैसेज ऑफ टाइम आस्ता आस्ता इंप्रूवमेंट आती है, यू विल हैव टू कंट्रोल द BP फॉर दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट देखते हैं, तो ज़्यादातर आपने हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट देखे हैं, क्या वाकई वो ज़हनी तौर पर बीमार, परेशान या हालात के हाथों से इतने तंग होते हैं, ये वजूहत भी हो सकती है, परेशानी, किसी का ये स्ट्रेस में आना, दबाव में होना, ये भी BP के बढ़ने का एक रीज़न होता है, बढ़ जाता है इसमें ब्लड प्रेशर। लेकिन उमूमन ये एड ऑन करता है, जिस किसी को ब्लड प्रेशर हो, उसको इस तरह का स्ट्रेस हो, कोई टेंशन हो, कोई दबाव हो, तो हम उमूमन जिस तरह डॉक्टर होते हैं, जब किसी को ब्लड प्रेशर की दवाएँ देते हैं तो कोशिश करते हैं कि कोई एक सुकून की गोली भी साथ साथ दे दें उसको। अच्छा, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो BP को अनकंट्रोल करने का बाइस होता है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सी बीमारियों को ये कहा जाता है कि ये तो फैमिली से है, जेनेटिक है, और इसलिए आपको भी हो सकता है, थोड़ा सा ख्याल रखें, और ये क्या BP हाई ब्लड प्रेशर को डेफिनेटली BP का जेनेटिक से भी ताल्लुक है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके साथ BP आपकी नेक्स्ट जनरेशन में फॉलो करता है, जेनेटिक से भी ताल्लुक होता है। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर के लिए हमारे शहर में किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, ब्लड प्रेशर के लिए ये कि हर जगह हर मुल्क में एक तो इंटरनेशनल बॉडीज, हम ज़्यादातर AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को फॉलो करते हैं, हर मुल्क की अपनी सोसाइटी होती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, जैसे ब्रिटिश हाइपरटेंशन सोसाइटी, कैनेडियन हाइपरटेंशन सोसाइटी, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान हाइपरटेंशन लीग है, इसके भी हर शहरों में चैप्टर्स मौजूद हैं, कराची चैप्टर, मुल्तान चैप्टर, लाहौर चैप्टर, ये हर चैप्टर अपने अपने इलाकों में वक्फ वक्फ से आगही के प्रोग्राम करते हैं, BP के कैंप लगाते हैं और लोगों को अवेयरनेस देते हैं। फिर इनका सालाना एक प्रोग्राम होता है जो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में क्वेटा में होगा, तो उसमें उन चीज़ों को देखा जाता है, डॉक्टर्स को भी और मरीजों को भी उसकी नो हाउ दी जाती है, उसकी आगही दी जाती है कि किस तरह बचा जाए और अगर हो गया है तो उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। अच्छा अच्छा, ये डॉक्टर साहब मुझे अब ये बताइएगा, आपका कोई ऐसा, आपने हाई ब्लड प्रेशर का कोई ऐसा केस जो बहुत ही कम उम्र हो, जिसे देख के आपको भी शॉक लगा हो कि इस एज में हाई ब्लड प्रेशर, रीज़न फिर उसके क्या आपके सामने आए, कोई ऐसा केस जो आप बताना चाहें स्क्रीन? जी, उमन जैसे एक बच्ची आई थी हमारे पास, उसकी उम्र ऐसी 18-19 साल थी। BP जब भी हम ब्लड प्रेशर लें और बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो, 180-120 मिल रहा है, जब हम BP लेते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि मैं आपसे भी इस पर बात करूँगा, BP ले से लिया कैसे जाए, कि दोनों हाथों का BP लें, अगर दोनों हाथों में डिफरेंस आता है तो हमें एक चीज़ कहलाती है कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, उसका खतरा, वो एक बड़ी दिल की रग है जो दब जाती है। इसी तरह से गुर्दे के पास जब हम अपना आला रखते हैं तो एक खास किस्म की विस्लिंग साउंड आती है, इसको ब्रूई कहते हैं। ये इस बात की अलामत होती है कि मरीज़ के गुर्दे की नाली में सुकड़ा हुआ है, इसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं। तो वो बच्ची जो थी, उसको BP कंट्रोल नहीं हुआ था, जब हम 2-3 दवाएं दें कंट्रोल ना होते, फिर हम सोचते हैं कि एक तो यंग एज है, दूसरा BP कंट्रोल नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली इसके कोई और इश्यूज होंगे। उसको वो ब्रूई निकला था उसके पेट पर, जब हमने सुना था, फिर बाद में टेस्ट कराए MRI वगैरह, तो उसका कन्फर्म हो गया कि जी इसको उस नस में रुकावट है। उसको फिर MRI वगैरह करके उसका सर्जिकली ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड किया, माशाल्लाह वो ठीक हो गई है। तो जो यंग एज में जो होते हैं वो करेक्टिबल कॉजेज होते हैं, मेनली अगर उसको वक्त पे सही वक्त पे डायग्नोज कर लिया जाए बिफोर कॉजिंग एनी डैमेज टू द वाइटल ऑर्गन्स, तो आप उसको केयर कर सकते हैं।
ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अल्लाह अच्छा हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है K21 न्यूज़ पे, और साथ साथ आपको पता है कि हमारे स्पॉन्सर हैं जी ईसा लेबॉर्ट्री। इसी तरह हमारा शो जो है हर हफ्ते आपके सामने हम लेके आते हैं किसी ना किसी नए टॉपिक पे, और आपको काफ़ी अवेयरनेस मिलती है हमारे शो से, और ये कोशिश इंशाल्लाह हमारी जारी रहेगी। अपनी होस्ट अनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।